हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम्स डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेकर आया हूँ जिसका साइज़ है 30x40। फ्रंट इसका 30 फीट का है, लंबाई इसकी 40 फीट की है, जिसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग, बाइक पार्किंग के साथ में 3 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट देखेगा। ऊपर भी आपको 3 रूम मिलेंगे। कम्प्लीट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया है। ऊपर आपको काफ़ी बड़ी लॉबी भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसकी 3D डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपनी 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 30x40 में। फ्रंट इसका 30 फीट दिया है, लंबाई इसकी 40 फीट रखी हुई है। फुल वेंटिलेशन साथ में हाउस प्लान आपका कंप्लीट बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंप्लीट अटिया बनी हुई है। ऊपर आप पानी की टंकी भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से बड़ा सा गेट लगाया हुआ है। इस गेट का मैंने साइज रखा है 9 फिट। ये 9 फिट का आपका गेट लगा है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको छोटा गेट मिल जाता है, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से पार्किंग एरिया दिख जाता है। जीने के नीचे का भी स्पेस ऐड करूँ तो 12x15 का यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है। कुछ इस तरीके से आपका 12x15 का आपका पूरा स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट जीना मिल जाता है, देख सकते हैं आप। जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ है। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 7 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके सीढ़ियाँ दिख जाती हैं। सीढ़ियाँ मिलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले गेस्ट रूम दिख जाता है। गेस्ट रूम के वेंटिलेशन दोनों साइड से आपको विंडो उपलब्ध कराएंगे, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 8x11। ये 8x11 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप 8x11। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा हॉल दिख जाता है। हॉल के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई, हॉल का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इस हॉल का मैंने साइज रखा है 13x14। ये 13x14 का आपका हॉल दिया गया है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप 13x14 का हॉल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइन मिल जाती है, जो कि आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी हुई है। वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से छोटा सा रोशनदान भी उपलब्ध कराया गया है, देख सकते हैं वेंटिलेशन कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा 4x8.5। ये 4x8.5 की आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है डाइनिंग टेबल की पर्पज़ से। यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से किचन मिल जाती है। ओपन आपकी किचन दी हुई, किचन के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो उपलब्ध कराई, किचन का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 7.5x11। 7.5x11 की आपकी किचन दी है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप 7.5x11। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज रखा है 11x13। 11x13 का आपका रूम दिया है। वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो भी उपलब्ध कराई गई, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा आपके रूम का, देख सकते हैं 11x13 का आपका रूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस रूम में आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है। वेंटिलेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपका छोटा सा रोशनदान दिया, ऊपर मैंने जार रखा हुआ है, यहाँ पे आराम से एग्जास्ट भी लगा सकते हैं। इस लैट्रिन बाथरूम का मैंने साइज रखा है 4x8। ये 4x8 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी गई है। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 11x14। 11x14 का आपका रूम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो भी उपलब्ध कराई है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा रूम का। 11x14 का आपका रूम दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार पार्किंग, बाइक पार्किंग के साथ में कुछ इस तरीके से 3 BHK हाउस प्लान कंप्लीट बना है। बड़ा सा आपका हॉल भी दिया गया है। हॉल में आपकी बैठक बना सकते हैं या फिर आप गेस्ट रूम में बैठक बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जिन्हें से आपको ऊपर आना है, ऊपर आने वक्त कुछ इस तरीके दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आप कुछ इस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला। सेम आपका जीना बना हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप काफ़ी बड़ी लॉबी मिल जाती है, ओपन आपकी लॉबी दी है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी आपकी बालकनी उपलब्ध कराई गई है। इस बालकनी का मैंने साइज रखा है 11x19 का आपका स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको हॉल दिख जाता है जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। हॉल के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई जैसा कि आपको नीचे देखने को मिला था। सेम प्रोसेस आपका दिया है हॉल का पूरा, हॉल के वेंटिलेशन इस साइड से भी आपको विंडो दी है, इस साइड आप कूलर भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिख जाती है जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 8.5x4, 8.5x4 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमाई दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज रखा 11x13, 11x13 का आपका रूम दिया। रूम के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो भी उपलब्ध कराई है, रूम का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिखता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एंट्री गेट दिया, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिख जाती है जिसका मैंने साइज रखा है 8x4, 8x4 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से स्पेस दिया, नीचे से फुल ऊपर तक वेंटिलेशन होता रहेगा, किचन का, रूम का, लैट्रिन बाथरूम का सारा ऊपर मैंने जार रखा हुआ, रूम का फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। इस रूम का मैंने साइज रखा 11x14 का आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपके नीचे किचन बनाई हुई थी यहाँ पे आपका रूम निकाल दिया है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध है, इस साइड से भी देख सकते हैं। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके से रूम दिख जाता है, इस रूम का मैंने साइज रखा 10x11 का आपका रूम दिया है, देख सकते हैं आप 10x11 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको कुछ इस तरीके से 3 रूम उपलब्ध कराए गए हैं, काफ़ी बड़ी आपको बालकनी दी है, हॉल भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, देख सकते हैं। कंप्लीट आटी आपको कुछ इस तरीके से दिया, ऊपर आप पानी टंकी रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्लास का यूज किया है, ऑल टाइम उजाला भी बना रहेगा, लुक भी बहुत बेस्ट लग रहा है। ये आप देख सकते हैं ऊपर जाल दिया हुआ है, नीचे तक ऊपर फुल वेंटिलेशन होता रहेगा। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 30 फिट में, 30x40 में, बाइक पार्किंग, कार पार्किंग के साथ में हाउस प्लान कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।